हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सैटी एसजी क्रिएटिव। तो आज हम बनाएंगे एक कार्डबोर्ड का यूज़ करके ब्यूटीफुल सा वॉल डेकोर। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले मैंने ये कार्डबोर्ड लिया है और इसे कुछ इस तरह से इस शेप में कट कर लिया है और उसे मास्किंग टेप से चारों तरफ से कवर कर लिया है। मैंने इसको कवर इसलिए किया है ताकि जो इसकी एजेस है वो अनइवन ना दिखे और क्लीन लगे। और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे हैंगिंग क्लिप चिपका लिए हैं ग्लू गन का इस्तेमाल करके और उसको भी मास्किंग टेप से कवर कर दिया है। तो जब हमारा ये बेस रेडी हो जाए तब इसके ऊपर हम एक्रेलिक वॉल पुट्टी पेस्ट लगाएंगे और इस कार्डबोर्ड को कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने ये जो वॉल पुट्टी है इतनी स्मूथली नहीं लगाई है क्योंकि मुझे ऐसा ही अनइवन सा टेक्स्चर चाहिए इसके ऊपर, इसलिए मैंने इस तरह से लगाया है। और जब अच्छे से इसको हम वॉल पुट्टी से कवर कर देंगे तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पेन लेके इसके सारे कॉर्नर्स पे एक डिज़ाइन बना दिया है और उसके बाद इसको ड्राई होने के लिए रख दूँगी। तो जब तक हमारा बेस ड्राई होता है तो उसको हम ड्राई होने देंगे और बाकी का काम स्टार्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे एयर ड्राई क्ले से जो भी इसके ऊपर क्ले से डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ उसे बनाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक कॉयल बना लिया है और उससे मैं यहाँ पे कुछ लिखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओम और श्री लिखा है और कुछ छोटा सा थोड़े बहुत दो तीन डिज़ाइन बना लिए हैं। तो जब ये थोड़ा सेमी ड्राई हो जाएगा तब मैं इसको जो हमने बेस रेडी किया है कार्डबोर्ड का उसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। इससे ये मेरी जो शेप है प्रॉपर आएगी और मुझे इसको जहाँ पे भी प्लेस करना है उस कार्डबोर्ड पे मैं इसको इजीली प्लेस कर सकूँगी। तो अब जो मैंने ये सारी क्ले एम्बेलिशमेंट्स बनाई थी अब मैं इसको अपने कार्डबोर्ड बेस पे पेस्ट करूँगी अपने इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ मुझे इसको प्लेस करना है। और इसमें जो भी मुझे बाकी की एम्बेलिशमेंट्स भी ऐड करनी है मैं उसे भी ऐड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे इन सारी एम्बेलिशमेंट को चिपकाने के लिए फेविकॉल का यूज़ किया था और मैंने यहाँ जो जो भी चीज़ें यूज़ करी हैं मैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस खाली लग रहा था साइड वाला, तो मैंने यहाँ पर कुछ दो कॉयल बना के और उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिज़ाइन प्रिक कर दिया है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप यहाँ पे अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करके कोई भी डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे बनाना चाहते हो और कैसे डेकोरेट करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो छोटा मोटा सारा क्ले वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। एंड ऐसा करने से मुझे ये आइडिया हो गया है कि जो मुझे इसके ऊपर क्ले से गणपति बनाने हैं उसका क्या साइज़ रखना है। तो अब मैं ये जिस शेप में ये गणपति आर्टवर्क रेडी करना है उस शेप में यहाँ पे उसे ड्रॉ कर लूँगी। सबसे पहले मैं यहाँ पर उनका ईयर बना के यहाँ पे फेविकॉल की हेल्प से चिपका दूँगी और फिर इसके ऊपर पेंसिल से गणपति जी ड्रॉ कर दूँगी जिस भी शेप में मुझे इसे बनाना है। तो ड्रॉ करने के बाद अब मैंने यहाँ पे फॉयल पेपर ले लिया है और उस फॉयल पेपर को भी मैंने उसी शेप में उसको शेप देके इसके ऊपर फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर दिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि जो मेरा क्ले है उसे मैं थोड़ा सा सेव कर सकूँ और उसकी जगह मैंने यहाँ पर फॉयल पेपर का इस्तेमाल कर दिया है। तो आप इस फॉयल पेपर वाले स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं, मैंने तो अपने क्ले को बचाने के लिए फॉयल पेपर लगाया है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फॉयल पेपर चिपकाने के बाद मेरा बेस तैयार हो गया है और पूरा जो शेप है वो बहुत अच्छा बन के आया है। तो अब मैं इसको पूरा क्ले से कवर कर दूँगी और फिर इसके बाकी के फीचर्स बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्ले की पतली सी लेयर बना ली है और उसे फेविकॉल की हेल्प से मैं इस जो मैंने फॉयल पेपर से डिज़ाइन बनाया है उसके ऊपर मैं इसको चिपकाती जाऊँगी और इसको स्मूथ करती जाऊँगी। तो इसको हमें अच्छे से इसकी शेप देनी है और ये ध्यान रखना है कि जो हमने नीचे इसका डिज़ाइन बनाया है
ये उसकी शेप अच्छे से ले और जो भी हम बनाना चाहते हैं वो शेप अच्छे से दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे ये मुकुट बनाया है गणपति जी का। अब मैं उसके ऊपर थोड़ी सी कार्विंग करके डिज़ाइन बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए पैलेट नाइफ का यूज़ किया है और पेन के रिफिल का और ढक्कन का इस्तेमाल किया है। तो आप अपने हिसाब से इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं देखिए अब इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने के बाद इसको कंप्लीट करूँगी। और ईयर के ऊपर भी मैंने थोड़ी सी रियलिस्टिक लुक देने के लिए थोड़ी सी लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। तो देखिए अब इनका ये मुकुट रेडी हो गया है। अब मैं इनका फेस बनाऊंगी। तो फिर इस पर सबसे पहले मैं फेविकॉल लगा लूँगी और हमें सेम प्रोसेस से इसको पूरा इसी तरीके से कवर करते जाना है। फेस और ट्रंक को हम कवर करेंगे क्ले से और उसको स्मूथ करेंगे। और जब ये क्ले से प्रॉपरली कवर हो जाएगा तो मैं इनकी आँख और टस्क और माथे पे त्रिशूल का जो है तिलक है वो बना दूँगी। तो इसी तरह से इनके सारे फीचर्स रेडी कर लेंगे। तो सबसे बाद में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पैलेट नाइफ की हेल्प से लाइंस भी ड्रॉ करी हैं इनके ट्रंक पे और थोड़ा सा फेस पे थोड़ा सा स्किन टेक्सचर देने के लिए और रियलिस्टिक लुक देने के लिए। और उसके बाद जब ये रेडी हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी सूंड में एक छोटा सा फ्लावर भी पकड़ा दूँ। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा फ्लावर भी क्ले से बना के यहाँ पे चिपका दिया है फेविकॉल की हेल्प से। और साइड पे मैंने एक दिया बनाया है। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर एक प्लेस जो राइट हैंड साइड में खाली लग रहा था तो मैंने वहाँ पे दो जो टेंपल में बेल्स लगी होती हैं वैसी बेल बना दी है। इसका वीडियो मुझसे कहीं स्किप हो गया है तो मैं वो वीडियो यहाँ पे ऐड नहीं कर पा रही हूँ। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। हमें क्ले से बेल शेप देके इसको बस इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो बना के उसका डाल दूँगी। तो अब हम इसको ड्राई होने देंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर कलरिंग स्टार्ट करेंगे। तो बेस के लिए मैंने यहाँ पे ब्राउन कलर लिया है और उससे मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन ब्लैक और वाइट से शेडिंग देते हुए इसको कलर कर लूँगी। उसके बाद जो भी मैंने क्ले वर्क किया था उसके ऊपर सबसे पहले हम बेस कोट अप्लाई करेंगे। बेस कोट के लिए या तो आप जैसो अप्लाई कर सकते हैं और या फिर आप यहाँ पे वाइट एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ जहाँ मुझे मेटालिक कलर्स यूज़ करने थे लाइक ब्रॉन्ज और गोल्डन वहाँ पे मैंने बेस कोट जो है वो ब्लैक कलर से दिया है। क्योंकि जब भी हम गोल्डन या ब्रॉन्ज कलर का यूज़ करते हैं तो अगर हमारा जो बेस है वो ब्लैक या कोई भी डार्क कलर का होगा तो उसके ऊपर वो कलर काफ़ी अच्छा उभर के आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ किया है जो बेल्स होती हैं वहाँ पे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे गणेशा को गोल्डन येलो कलर से पेंट किया है और उनके जो मुकुट है वहाँ पे भी मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है। तो इसी तरह से इन सबको मैं कंप्लीट करती जाऊँगी और कलरिंग करती जाऊँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे वाइब्रेंट कलर का यूज़ किया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं अपने चॉइस के। तो सारी कलरिंग कंप्लीट होने के बाद मैंने यह गोल्डन मेटालिक कलर लिया है उससे मैं यहाँ पे इनके मुकुट और बाकी की जगहों पे गोल्डन कलर से हाईलाइट कर दूँगी और इसको कम्प्लीट करूँगी। और जब ये कंप्लीट हो जाए और अच्छे से ड्राई हो जाए तो अब हम इसके ऊपर दो कोट वार्निश के अप्लाई करेंगे। वार्निश अप्लाई करने से हमारा जो आर्ट एंड क्राफ्ट DIY है वो काफ़ी लंबे समय तक चलता है और वार्निश अप्लाई करने से जो इसके कलर्स हैं वो काफ़ी वाइब्रेंट लगते हैं। तो हमें वार्निश ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। तो अब यह हमारा वॉल डेको रेडी हो गया है और ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ येस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कि आप और क्या क्या DIYs देखना पसंद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।